नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 2 व 3 की शिक्षक डायरी कंबाइंड रूप से लिखी हुई, तो बन रही है हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि ये आपका शिक्षक संदर्श का जो साप्ताहिक शिक्षक संदर्श का एवं कार्य पुस्तिका के अनुसार सप्ताह आपका है 11। इस सप्ताह में हमें गणित में शाब्दिक आकलन करना है। तो शाब्दिक आकलन में जो प्रपत्र दिए गए हैं कार्य पुस्तिकाओं में वो हम देख लेंगे, और ट्रेकर वो हम देख लेंगे। ट्रेकर और शाब्दिक आकलन के प्रपत्र का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कक्षा 2 व 3 का आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका PDF आपको चाहिए शिक्षक डायरी के, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां इसका भी PDF आपको मिल जाएगा। तो करते हैं प्रारंभ। सर्वप्रथम हम देखते हैं 10/10/2022 में हमें क्या लिखना है। चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करना और वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना। तो यहाँ कक्षा में हम 2 और 3 लिख देंगे। विषय में हमारे हो जाएंगे भाषा में इसलई किताब और पंखुड़ी, गणित अंग्रेजी और सहपाठ्यक्रम, ये हमारे विषय रहेंगे। यहाँ देखेंगे सर्वप्रथम मौखिक भाषा में सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव हेतु गतिविधि कराना रहेगा 10/10/2022 में। डिकोडिंग में है एक ही मात्रा व टावर की पहचान पर कार्य करेंगे, ठीक है। यहाँ हम किसले या पंखुड़ी किताब से पाठ पढ़ाएंगे, वहीं एक ही मात्रा और टावर की खोज भी करवा सकते हैं। लेखन में हम देखेंगे कार्य पुस्तिका से पाठ 63 पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा। सहज पठन कार्य में देखेंगे सहज वन से पाठ 4 भालू की चालाकी पढ़ाना रहेगा, मध्यान्ह भोजन। उसके बाद गणित में हम देखेंगे तो शाब्दिक आकलन और ट्रेकर बनना रहेगा। यहाँ शाब्दिक आकलन पर कार्य करना और गणित की कार्य पुस्तिका से शाब्दिक आकलन प्रपत्र हम देखेंगे, तो 1 और 2 का प्रयोग करेंगे कक्षा 2 व 3 में। इंग्लिश में हम देखेंगे लेसन फॉर द बास्केट कक्षा 3 में 5 फ्रूट्स नेम लिखवाना रहेगा बच्चों से। अब आता है हमारा सहपाठ्यक्रम, तो यहाँ खेल रहेगा बोल भाई कितने आप चाहो उतने। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन यह हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य व शाब्दिक आकलन करना सफल रहा। अब हम चलते हैं इसके बाद 11 अक्टूबर 2022 में देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या अंकित करना है। सर्वप्रथम मौखिक भाषा में देखेंगे तो चित्रचार दंगल कुश्ती का प्रयोग करेंगे, इस पर चर्चा करना और यहाँ से प्रश्न पूछना, चित्र बनवाना इत्यादि बच्चों को अवसर देंगे। डिकोडिंग में हम देखेंगे तो एक ही मात्रा व खा वर्ण की पहचान पर कार्य करेंगे। लेखन में देखेंगे कार्य पुस्तिका से पाठ 64 पर अभ्यास कार्य करेंगे, और सहज पठन में सहज 2 से पाठ 3 माही और सुरेश पढ़ाना रहेगा। मध्याह्न भोजन, इसके गणित में देखेंगे तो शाब्दिक आकलन पर कार्य और गणित कार्य पुस्तिका से शाब्दिक आकलन प्रपत्र 3 और 4 का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारा प्रवेश रहेगा कक्षा 3 में आज पाठ 8 पशु पक्षियों का आवास पाठ का साझा पठन करेंगे। अब आता है हमारा सह पाठ्यक्रम, यहाँ छात्रों से गीत कहानी कविता सुन सकते हैं। इसके बाद क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन यह हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य व शाब्दिक आकलन करना सफल रहा। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट डेट 12 अक्टूबर 2022 में देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या अंकित करना है। मौखिक भाषा में देखेंगे तो चित्रचार दंगल कुश्ती पर चर्चा करना और चित्र बनवाना रहेगा। डिकोडिंग में देखेंगे तो ई व जा वर्ण की पहचान पर कार्य करेंगे। लेखन में कार्य पुस्तिका से पाठ 65 पर अभ्यास कार्य करेंगे, और सह पठन कार्य में देखेंगे सहज 2 से पाठ 5 बंदर का चश्मा पढ़ाना रहेगा। अब आएगा मध्याह्न भोजन, उसके गणित में देखेंगे शाब्दिक आकलन पर कार्य करना रहेगा और ट्रेकर बनना। इसके बाद गणित की कार्य पुस्तिका से शाब्दिक आकलन प्रपत्र 05 और 06 का प्रयोग करेंगे। हमारा प्रवेश पाठ 8 पशु पक्षियों का आवास पाठ का साझा पठन करेंगे, और सह पाठ्यक्रम में हम देखेंगे आज तो चित्रकला रखेंगे, यहाँ आम का चित्र बनवाना रहेगा। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन यहाँ हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य व शाब्दिक आकलन सफल रहा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो शिक्षक डायरी लिखी हुई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है। अब देखते हैं हम 13/10/2022 में देखेंगे मौखिक भाषा विकास में देखेंगे सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव हेतु गतिविधि कराना रहेगा। डिकोडिंग में टा व बड़ी ई वर्ड की पहचान पर कार्य करेंगे। लेखन में देखेंगे कार्य पुस्तिका से पाठ 66 पर अभ्यास कार्य करेंगे, और सहज पठन में देखेंगे सहज वन से पाठ 5 2 चीटियां पढ़ाना रहेगा।
मध्याह्न भोजन गणित में देखेंगे शाब्दिक आकलन पर कार्य करना और गणित की कार्य पुस्तिका से देखेंगे शाब्दिक आकलन प्रपत्र 6, 7 और 8 का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं इंग्लिश में कक्षा 2 में लेसन 1 है लेट्स स्पीक, यहाँ से ए से लेकर जेड तक बोलने का अभ्यास कराना रहेगा और सह पाठ्यक्रम हम देख लेंगे बोल भाई कितने आप चाहो उतने गतिविधि कराएंगे। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वागत हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य वह शाब्दिक आकलन करना सफल रहा। अब हम चलते हैं इसके बाद 14/10/2022 में देखेंगे यहाँ पर हमें क्या अंकित करना है। मौखिक भाषा में देखेंगे किसले पाठ 18 परी, ठीक है किसले से परी पाठ 18 है। मौखिक कहानी इसकी सुनाएंगे बच्चों के लिए कक्षा 2 व 3 दोनों में। रिकॉर्डिंग में देखेंगे वर्ण अक्षर पहचान पर पुनरावृत्ति कराना रहेगा, ठीक है 5वां दिन आए तो पुनरावृत्ति कराएंगे। लेखन में देखेंगे कार्य पुस्तिका से पाठ 67 पर अभ्यास कार्य करेंगे। अब आएगा स्वतंत्र पठन, यहाँ पुस्तकालय और रीडिंग कॉर्नर से चित्रकथा देखेंगे छात्र। मध्याह्न भोजन शाब्दिक आकलन ट्रेकर भरना शाब्दिक आकलन पर कार्य करना रहेगा और गणित की कार्य पुस्तिका से शाब्दिक आकलन प्रपत्र 9 और 10 का प्रयोग करेंगे। अंग्रेजी में हम देखेंगे तो लेसन बन रहेगा लेट्स स्पीक, यहाँ ए से लेके जेड तक लिखने का अभ्यास कराना रहेगा। अब आता है हमारा सह पाठ्यक्रम तो यहाँ गीत कहानी कविता सुनाना रहेगा, सुनेंगे बच्चों से छात्रों से। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य वह शाब्दिक आकलन करना सफल रहा। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट डेट 15/10/2022 में देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है। यहाँ देखेंगे मौखिक भाषा में सह स्त्री से पाठ 11 आम दिवस स्थानीय कविता या फिर हम स्थानीय कविता ले सकते हैं जिसका हाव भाव के साथ वाचन करेंगे। डिकोडिंग में देखेंगे आकलन रेमेडियल कार्य कराना रहेगा और लेखन में कार्य पुस्तिका से साप्ताहिक पुनरावृत्ति और गृह कार्य देना रहेगा। स्वतंत्र पठन देखेंगे पुस्तकालय और रीडिंग कॉर्नर से चित्रकथा देखेंगे छात्र। मध्याह्न भोजन उसके बाद शाब्दिक आकलन ट्रेकर बनना समूह निर्धारण करना रहेगा, आज छात्रों को समूह ए व बी में बनाना रहेगा बांट लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे संस्कृत उर्दू तो कक्षा 3 की संस्कृत में 5वां पाठ रहेगा, साझा पठन करेंगे और छात्रों से पाठ सुनेंगे। अब आता है हमारा सह पाठ्यक्रम तो यहाँ देखेंगे चित्रकारी कराना रहेगा। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन यह हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य व समूह निर्धारण कार्य सफल रहा। तो ये थी इस सप्ताह की कक्षा 2 व 3 की कम्बाइंड रूप से लिखी हुई शिक्षक डायरी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।